फुरकत में अशकबा रहूं मैं, करार मुझको अता हो के बेकरार रहूं मैं। अल्लाह ने नबी आज फिर आया, मैं दसना ही चाह रहा कि अल्लाह ने नबी जो आए तो आप सिर्फ इंसाना ने नबी नहीं, आप किस किस ने नबी है ना, लकड़ा ने भी नबी है, आप पत्थरा ने भी नबी है, आप जानवरा ने भी नबी है, आप परिंदिया ने भी, और जिब्राइल अमीन ने भी नबी है। बहुत बड़ी शख्सियत 600 पर न मालक है, लेकिन अल्लाह ने नबी को ला गया, या रसूल अल्लाह मेरे बारे च क्या हुक्म है अल्लाह ना, कि मेरा खात्मा ईमान ऊपर हो सी, ईमान ऊपर नहीं होने लगा। आज लोग आने नबी के इल्मे गैब नहीं सी, जिब्रील पूछो है सी के नहीं सी, भाई जिब्रील ही पूछो ना, जिब्रील का शिरक नहीं ना करना, जिब्राइल के बिदत नहीं ना करना। जिब्रील आ गया, या रसूल अल्लाह मी दसो कि माड़ा खात्मा ईमान ऊपर हो सी या शैतान लार हो सी। अल्लाह ने नबी फिर फरमाया इन्नहु लकौल रसूलिन करीम, ये आयत उस शान च नाज़िल हुई है। अल्लाह ने नबी फरमाया तू अल्लाह की बारगाह बड़ा मुकर्रम है, तेरा खात्मा ईमान ऊपर हो सी। अरे जिब्रील ला ईमान तो यह होगा कि इसी सारिया गलों का पता है, ते तेरे मेरा ईमान जरा उसका डोलना शुरू हो जाए तो वह आखा जी कि नबी की पता भी है कि नहीं है। जंगे बदर गजवाए बदर, गजवाए बदर ने बीच अल्लाह ने नबी जड़िया किंकरियां से ना स्टोन छोटे छोटे वो चुकी तो काफरा मारे तो कमसानी जंग हो रही थी, पता है ना, बाकी सुनया तुसा कमसानी जंग होनी सी कई। भाई मैं पूछना जो स्टोन सन उन्हें ये किस तरह पता सी कि ये सिद्दीक अकबर है, ये अब्दुल्ला बिन उबई है, स्टोन तो कट्ठे मारे ना, तो एक भी रिवायत ऐसी नहीं है कि जेड़ा मी को बंदा रिवायत दसा कि ओ कोई बट्टा कोई स्टोन किसे साफी के लगा होगा, वो जिस ही लगे काफर ही लगे। सुभान अल्लाह। क्वेश्चन है यार कि वो जेड़े स्टोन सन उसी किस पढ़ाया कि ये काफर है ये मुसलमान है। फरमाया वो नबी पाक ने जो अखना लगा है ना तो अल्लाह इलम अदा कर दिया, मेरे नबी ने अखना अगर स्टोन लगा है तो मेरा रब उसी भी ऐसा इलम अदा करना है कि उसी हक को बादल की शनाखत हो जानी है, उसी पता लगी जाना कि ये जड़ा है ये फारूक आजम है, ये सिद्दीक अकबर है और ये अबू जहल है। लिहाजा ये गल जड़ी है कि नबी की इलम नहीं या नबी ने यह सिर्फ गल्ला मौफ सिख माइंडेड बनिया नहीं है, वगरना कुरान हदीस सारा पढ़िया इस गल्ला उपर। इसी अहबाबे मुकर्रम नबी अलैहिस्सलाम जेडे लोग आ जाने ना मिलादुन नबी मनाने ना क्या मकसद है, ये मैं तुसें दसन लगा मकसद क्या है। जो तो अल्लाह ने नबी आए ना तो उदू अरब ने हालात कैसे सन, जिस बंदे ने घर बच्ची पैदा होनी सी वो मजबूर होना सी अपनी बच्ची जिंदा दफन करना, वो अगर अपनी बच्ची दफन नहीं सी ना करी सकता वो उस सोसाइटी विच जिंदा नहीं सी रह सकना, क्योंकि ये जिस बंदे ने घर बच्ची पैदा होनी सी वो अपना चेहरा छुपाना सी, फिर उस कभी जुर्म ना इकरार करना सी कि वो अपनी बच्ची जाए के दफनाना सी। एक बंदा अल्लाह ने नबी की बारगाह च आया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करना चाहना पर मैं एक मेरे दिल विच खलश है कि मैं एक ऐसा वाकया कीता है क्या मेरी वो भी माफी हो जाए। अल्लाह ने नबी फरमाया क्या वाकया तू कीता है, उस आखिया या रसूल अल्लाह मैं घरों बाहर गया सा, मेरी बीवी हमला सी प्रेगनेंट सी, कुछ अरसे बाद दो त्रै चार साल बाद मैं आया तो मैं दस्तक दीती दरवाजे दस्तक दीती तो अंदरों एक बच्ची पूछा कौन है, तो मैं उसे पूछा तू कौन है, उसे आखिया मैं अपने ये माड़ा घर है, बुआ खुलिया मैं तकिया बड़ी खूबसूरत बच्ची लेकिन मैं उन्हें जंजीर में फसया सा जिन्हें अरब ने रवायत से, मैं बीबी पूछा कौन है, उस आखिया कि ये तेरी बच्ची है, उस आखिया तुझे पता नहीं सी कि साड़ी रवायत कैब है,
बच्ची जिंदा दफन करना, तू क्यों जिंदा? उस आखे बड़ी खूबसूरत सी, मैं मेरी भी चोली खाली सी, उस आखे उन्हें ही से प्यार कर। एक गल अल्लाह ने नबी सुना रहे हैं, मैं ना लिंदा रस्सी बींदी कई बींदी, वो बच्ची बड़ी खुश कि मेरा अब्बा है। चल पिया जदों जंगल च पहुंचया, मैं खड्डा खुलना शुरू किया, मेरे उपर मिट्टी पई, वो बच्ची अपनी चुनी नाल मेरी मिट्टी साफ कर रहा कि मेरे अब्बे ने उपर मिट्टी पै रही है। चुनाचे जो गड़ा बहुता सारा खुनिया गया, मैं उसे चुकिया भी छटिया, वो आखदी नहीं या अभी अदरिक नहीं, अब्बा जी मुझे बचा लो, ए अब्बा जान नहीं बचाई नो, लेकिन मैं उसने चीखाना सुनिया तो उसे जिंदा दफन कर दिता। या रसूल अल्लाह क्या मेरा ये जुर्म ये भी माफ हो सी? अल्लाह नबी ने अखा जो अथरू आए गए, आ फरमाया इस्लाम तो पहला ने जुर्म अल्लाह माफ करना है, लेकिन अल्लाह ने नबी फरमाया लोगो सुनो, ये जड़ी फातिमा है ना, अल फातिमा तो बदा तो मिन्नी, ये मेरे जिगर ने टुकड़ा है। उस मुआशरे ने विच जिथे बच्ची की जिंदा दफन करना फखर सी, अल्लाह ने नबी अपनी बच्ची ना आलम बुलंद किया, फरमाया सुनो अरब वाले, जेड़ा बंदा त्रै बच्चियां जवान करे और फिर उन्हें ब्याही दिया है, मैं मोहम्मद उसी जन्नत नहीं जमानत देना। एक साबी खड़े हो या रसूल अल्लाह जिसने दो, फरमाया जेड़ा दो ब्याह उसी भी जन्नत, सुभान अल्लाह। एक साबी खड़े हो या रसूल अल्लाह जिसने एक, फरमाया जेड़ी एक ब्याह उसी भी जन्नत। उन शर्त लगी पई अग्गे लोग बच्चियां मारने सन, अल्लाह ने नबी ने ऐलान तो बाद बाप जेड़ा दुआवा करना, या अल्लाह मेरी बच्ची घर होवे ताकि जन्नत मिली जाए, सुभान अल्लाह। पहला मारने सन दफनाने सन जिंदा, तो फिर क्या किया अल्लाह ने नबी ने इस गल तो बाद दुआवां शुरू हो गई, बच्चियां की कदर बदी गई, बच्चियां की इज्जत बदी गई। फिर उस मुआशरे ने अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ने कोल हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला बैठिया सन, तो एक माई आई, उस माई दो बच्चियां चुकियां, एक सज्जे कुछड़े लाई खब्बे, ते माई भी फाका गरीब सी, बच्चियां कोल भी खाने से कुछ ना, उस आखिया मायशा कोई चीज खाने से उम्मुल मोमिनीन एक खजूर सी दी, उस माई खजूर ने दो टुकड़े किए, एक बच्चे दिता टुकड़ा ते एक दुई दिता। आप फिर पुखी आयशा जो गल तकी ना, आयशा अल्लाह ने नबी दसी या रसूल अल्लाह एक माई आई, उसने हालत सी, उसके काम किया है, अल्लाह नबी फरमान लगे अगर इस बीबी ऊपर जन्म वाजिब होएगी ना, ये दो बच्चियां रब नाल खड़िया हो जा सन, कैसा इसे जन्म में जिन्हें जाने, ये दो बच्चियां खड़िया हो जा सन कि असा इसे जन्म में नहीं जान देना, इस गलू के इस साढ़े नाल ओ काम किया है, ओ मयार किया है कि असा इस तो बगैर जन्नत च नहीं जाने। अहबाबे मुकर्रम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दौर हम शीरारा भी ओ सलूक जेड़ा बेचियां रोना सी, जिसने घर बेटी होनी सी भरा उसी जिंदा दफन करने सन, कि एक कल साढ़े आस्ते बदनामी ने सबब बन सी ये उसी, लेकिन अल्लाह ने नबी जेड़ा आप उठे निजाम कायम किया, आपने एक हमशीरा सर हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला हजरत हलीमा की बेटी, वो सरकार ने खिडानिया होनी सन बचपन च, चुकी क्या खिडानिया सन, ते जो पर खिडान जानिया सन ना ते होर भी बच्चे होने सन, ते बाकी बीबिया आखन के आओ अपने भरावां ही नहीं कहो मेरे वीर नाल मुकाबला कराओ, केड़ा सोना वो जो अमनिया सन फिर आखदिया सन भाई तेरे वीर जैसा ते साढ़े कोल कोई बंदा नहीं। चुनाचे अल्लाह ने नबी जदों आप अल्लाह पाक जरा आप ही मकाम उस रियासत मदीना ने सरबरा बनाया, अदब ने आयता नाजल हो गई, साबा पहरे लाई छोड़े, कोई बंदा सरकार को बगैर तराशी तो जा ही नहीं सकना मिलन आस्ते, उदू गजबा बदर होया, बदर ने जो लोग गिरफ्तार हुए
ਉੱਥੇ ਫਿਦੀਏ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਫਿਦੀਆ ਦੇਸਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੋੜੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਪੋੜਨ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਮਸ਼ੀਰਾ ਲੋਕ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪੇ ਕਰਨਿਆ ਕਰਨਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਦਾ ਕੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ, ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੰਦਾ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਲਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਪਾਰਿਤ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا سہنے کی آمد مرحبا 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 آمد مصطفی مرحبا مرحبا اے میں جڑی گفتگو تو سنانا پیا اے ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ। ਆਹਨੇ ਨਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਸ ਰੱਖੀ ਛੋੜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦ ਨਾ ਕੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਛੁੜਾਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁੜਾਈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦਸਤੇ ਖਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੀਮਾ ਚਲੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲੇ ਖਲਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਮਾ ਲੰਘ ਲਗੀ, ਸਾਬਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬੀਬੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਗੈਰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਅਨਾ ਉਖਤੋ ਨਬੀ ਜੇ ਕੁੰਭ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੀ ਭੈਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਖਲੂ ਸਬੀਲੀ ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਛੋੜੀ ਦਿਓ, ਸਾਬਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੀਮਾ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ, ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਘੱਲਣਾ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਬੰਦੇ ਛੋੜੇ, ਮਸ਼ੀਰਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਹਬਾ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਬਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਆ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਆਈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਜਿਸ ਭੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਫ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਭੈਣ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਰਿਫਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੀਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੀਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚਲੀ ਜਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਰਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਜਬਰਨ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ, ਸਾਹਬਾ ਨਾਲ ਜੁਰਮਟ ਹੈ, ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਅੰਦਰ
कि एक बीबी आ